नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिला मुख्यालय में रहने वाली आरोही ने फिर से गुमला का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर आरोही को नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पुरस्कृत किया। अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किया है। 4 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 1 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 3 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हासिल कर आरोही अपना नाम दर्ज कराई हैं, जिसे पूरे परिवार काफी उत्साहित हैं। ज्ञात हो कि सर्वप्रथम आरोही ने सबसे जल्दी हनुमान चालीसा बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने संपूर्ण हनुमान चालीसा 1 मिनट 48 सेकंड में सुनाया। फिर उसने सर्वाधिक भाषण और कहानी बोलने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसने 13 भाषण और 8 कहानियां सुनाई। इसके बाद उसने 1 मिनट में सर्वाधिक गायत्री मंत्र 27 बार बोलने का रिकॉर्ड बनाया और अभी उसने सबसे जल्दी संपूर्ण रामायण सातों कांड हिंदी में कथा के रूप में बोलकर सुनाया। आरोही की इस रिकॉर्ड पूरा करने को लेकर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब जानकारी हुई तो अपने कार्यालय में बुलाकर प्रोत्साहित किया और आगे प्रोत्साहन करने की बात कही। आरोही के परिवार भी काफी खुश हैं, कुछ समय निकाल कर अपने कार्य लगन से करती हैं। ये जो बच्ची है मेरे बगल में बैठी है, आरोही खंडेलवाल, इसकी उम्र यूँ तो बहुत कम है, 7 साल और कुछ मंथ है, लेकिन इसने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ है। इनको अभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है संस्था है, उसकी तरफ से इनको बाई पोस्ट एक सर्टिफिकेट मिला है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि जो रामायण के हमारे जो अलग अलग कांड हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से उस कांड को सभी कांडों को फास्टेस्ट उसको बोला है, इन्होंने उसको रिसाइट किया है। और ये एक तारीफ की बात है कि हमारे इस गुमला में इस प्रकार की बच्ची, होनहार बच्ची है। और एक इससे एक संदेश भी छिपा है कि आज हमारे बच्चों को सभी कार्टून करेक्टर्स के नाम तो याद होंगे, सारे फिल्मी करेक्टर्स के नाम याद होंगे, जो काल्पनिक नाम है वो सब याद होंगे, लेकिन जो हमारे पौराणिक पात्र हैं या जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, जो हमारी ऐतिहासिक गाथाएँ हैं या जो पौराणिक गाथाएँ हैं, उनको बच्चे नहीं जानते हैं, ना उस पर रुचि आती है। तो इसमें मैं इनके परिवार को भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और कच्ची मिट्टी को हमें क्या स्वरूप देना है, ये कुम्हार पर निर्भर करता है। तो बच्चों का जो पर्सनालिटी शेपिंग है या जो व्यक्तित्व तो किस दिशा में जाएगा, ये कहीं ना कहीं परिवार पर निर्भर करता है। तो इनके परिवार, विशेषकर इनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद दूंगा और साधुवाद दूंगा कि इन्होंने बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी जड़ें हैं, हमारे सनातन संस्कृति की जड़ें हैं, उसकी दिशा में बच्चों को अपने न केवल जागरूक किया बल्कि इस मुखरता से कि वो रिकॉर्ड बनाएं, इसके लिए प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है। उन सभी इनके जो गुरुजन होंगे, इनके जो परिवार के लोग होंगे, सभी को मैं बधाई देता हूँ और बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं।